दोस्तों, मैं पुनः स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो आम का सीजन आ गया है, तो हम बनाएंगे कच्चे आमों से आम की खट्टी मीठी पापड़ चटपटा जो लगेगा। तो चलिए करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे तैसे मैंने आमों को यहाँ पे कट कर लिया है। इसमें कुसली पड़ गई थी तो ये अच्छे से कट नहीं रहे थे। तो यहाँ पे 1/4 किलो आम लिया है जिसे मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं एक बर्तन में ले लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आम को गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें डालूंगी 1 ग्लास पानी और इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक पानी सूख ना जाए। यहाँ पे पानी सूख गया है और मैंने गैस को बंद कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आम को पीस लेते हैं। तो इसे मेन पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आम को पीस लिया है। ये देखिए, एकदम मेन इसे पीस लिया है मैंने। और यहाँ पे 1 कप में शुगर डालू यानी कि चीनी। यहाँ पे मैं 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और साथ ही डालना है गरम मसाला, कोई भी आप डाल सकते हैं, और लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच में ऐड कर रही हूँ। तीखा भी अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। चटपटा इसे और बनाने के लिए मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ एकदम इसे फ्लेवरफुल बना रही हूँ। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे चढ़ाएंगे गैस पे। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। तो ये हल्का हल्का भी गर्म हुआ है। कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा तो जलने लगेगा। इसे कंटिन्यू से उबलने लगा, तो कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये साइड से चिपका और बीच से भी। यहाँ पे हमारा आम का बैटर ठीक हो गया है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक थाली ले ली है और इसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर दिया है। तो हमने ये जो बनाया है बैटर आम का, इसके ऊपर फैला देंगे इस तरह से। कितना ज़्यादा ज़्यादा मम्मी। और इसे अच्छे से फैला देंगे इस तरह से। तो पतली सी लेयर हमें बिछा देना है, जितना आप पतला बना सकते हो। मम्मी, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 थाली पे इसे सेट होने के लिए रख दिया है। आप इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं या तेज धूप में भी सुखा सकते हैं। मैं इसे धूप में सुखा रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पापड़ रेडी हो गया है। तो इसकी साइड की स्क्रैच कर लेना है, ये ऐसे निकल जाता है। ये अच्छे से सूखा रहेगा तो निकल जाएगा। रुका, हमारा आम पापड़ रेडी है, बहुत ही चटपटा। ये देखिए, इसे हम कट कर लेते हैं पीसेस में। देखिए फ्रेंड्स, कच्चे आमों से हमारा आम पापड़ बनके रेडी है, बहुत ही चटपटा है। तो आप ये रेसिपी एक बार जरूर जरूर ट्राई करें। हमारी रेसिपी पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें, वो भी फ्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ध्यान। बाय।